हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रिज हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिज के बिना हम लोग हमारी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर फ्रिज को वेल ऑर्गेनाइज नहीं रखा तो बहुत सारा क्लटर कलेक्ट हो जाता है और उसे साफ करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा 12 साल पुराना वर्लपूल का डबल डोर का फ्रिज। आई नो काफ़ी छोटा है मेरी फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक चल रहा है तो मैंने इसे रिप्लेस नहीं किया। फ्रिज के टॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इस पर बिछाई है एक मैट। ये मैंने अमेजोन से ली थी और फ्रिज के ऊपर मैंने कुछ मैग्नेट्स लगाया है डेकोरेशन के लिए। और ये जो एप्पल साइज में आप मैग्नेट देख रहे हैं, ये टप्परवेयर के कंटेनर्स के साथ फ्री मिला था। इसके ऊपर पूरा चार्ट है किस तरह से फ्रिज में वेजिटेबल्स को स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किया है। चलिए देखते हैं। फ्रीज़र में सबसे ऊपर मैंने रखी है मलाई। मलाई मैं 8 दिन की स्टोर करती हूँ, 1 घंटा पहले बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसका घी बनाती हूँ। उसके बाद इन दो कंटेनर्स में मैंने एक में रखा है मैदा और एक में रखा है रवा, जिससे ये बाहर रखने से ख़राब हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनको इन कंटेनर में डीप फ्रीज करके रखा है। और ये जो दो कंटेनर्स देख रहे हैं, ये भी टप्परवेयर के हैं। ये सेट था पूरा चारों का, तो इन चारों सेट को मैंने फ्रीज़र में यूज़ किया है। ये फ्रिज मेट ही है। अगर आप चाहें तो मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दोनों कंटेनर्स में मैंने रखे हैं एक ड्राई फ्रूट्स, एक में रखे हैं काजू और एक में बादाम। और ये जो दो कंटेनर्स देख रहे हैं, ये आइसक्रीम के साथ मुझे मिले थे, तो इनको मैंने रीयूज़ किया है ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेनर्स खरीद के लाएं, इस तरह से आप चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें फ्रीज़र में रखने के लिए। तो इस तरह से मैंने ऊपर का फ्रीज़र का सेक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है। और फ्रीज़र के डोर में ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है। यहाँ पर रखा है फ्रोज़न कॉर्न, फ्रोज़न स्प्रिंग अनियन और ये कुछ कस्टर्ड पाउडर, कोका पाउडर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मैंने ऊपर रखी है। फ्रीज़र के डोर को मैंने डेकोरेट किया है इन फ्रिज मैग्नेट से। फ्रिज के सेक्शन को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है ये देखते हैं। फ्रिज में सबसे ऊपर है ये एक ट्रे। इस ट्रे में मैंने रखे हैं सभी डेयरी के प्रोडक्ट्स और डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जब भी बच्चों को चॉकलेट्स बनाने हैं घर पे तो यूज़ होता है, और चॉकलेट गनाश केक बनाते वक्त। और इसमें रखा है चीज़ स्लाइस, चीज़ क्यूब्स और बटर। और मैं जब भी घर पे बटर या फिर पनीर बनाती हूँ तो वो भी मैं इसी ट्रे में स्टोर करके रखती हूँ। ट्रे के एग्जैक्ट नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मैंने बिछाई है एक ट्रांसपेरेंट मैट, इससे जो नीचे का कांच वाला ट्रे है वो ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे मैंने रखा है घर पे जमाया हुआ दही और दूध। इस सेक्शन के एग्जैक्ट नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मैंने अगेन बिछाई है ट्रांसपेरेंट शीट, उसकी वजह से फ्रिज की चीज़ें ख़राब नहीं होती। और यहाँ पर मैंने रखा है एक ऑर्गेनाइज़र। इस ऑर्गेनाइज़र में मैं रखती हूँ सभी डेली यूज़ होने वाली सब्ज़ियाँ, जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्च और करी पत्ता, जो हर सब्ज़ी में चाहिए होती है। तो इसे एक साथ निकालना और रखना काफ़ी आसान हो जाता है। और इस ट्रे में रखने से इसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर बिछा देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। और इस 3 कंटेनर्स में मैंने मेरे वीकली मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग, इस वीक में मैंने भिगोए थे चने, और इसमें मैंने रखे हैं उबाले हुए आलू, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को स्नैक्स टाइम में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अगर चीज़ें रेडी रहती है तो बच्चों को खिलाने में आसानी हो जाती है। तो अगर आपने मेरा वीकली मील प्लानिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने रखे हैं कुछ फ्रूट्स। वैसे फ्रूट्स मैं हमेशा बाहर रखती हूँ, लेकिन समर्स चल रहे हैं और इस तरह के फ्रूट्स तो ठंडे ही अच्छे लगते हैं। और इस सेक्शन के नीचे वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह के ट्रे में रखे हैं आम, तो उन्हें निकालना बहुत आसान हो गया है इस ट्रे की वजह से। और दूसरे ट्रे में मैंने रखे हैं एग्स। बच्चों को एग्स रोज़ चाहिए होते तो एग्स मेरे घर पे रहते ही है। और यहाँ पे मैंने रखा है बचा हुआ आटा, और यहाँ पे पीछे भी मैं कुछ अगर बच जाता है फूड तो मैं पीछे रख देती हूँ इस तरह के कंटेनर में। तो इस तरह से मैंने फ्रिज का सेक्शन को ऑर्गेनाइज करके रखा है। अब देखते हैं वेजिटेबल्स के सेक्शन को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है। वेजिटेबल्स के इन सेक्शन में मैंने यूज़ की है इस तरह की वेजिटेबल्स की बैग्स, जो नेट की है, हाफ नेट की है और हाफ कॉटन के कपड़े की बनी हुई है, तो एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है और सब्ज़ियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो ये 6 का सेट आया था, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, अभी तक तो अच्छे से काम कर रही है। ये वॉशेबल भी है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं है क्योंकि समर चल रहा है और पैंडेमिक की वजह से बाहर निकलना भी नहीं होता, तो जो भी सब्ज़ियाँ हैं उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। और इनमें मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा आम, और इसमें मैंने रखी है भिंडी, और जो बची हुई बैग्स हैं उनको मैंने नीचे फोल्ड करके रखा है ताकि जब भी एक्स्ट्रा सब्ज़ियाँ आए तो यहीं पे मुझे बैग्स मिल जाए और उनको मैं यूज़ कर पाऊँ जल्दी से सब्ज़ियाँ स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ियों को वेजिटेबल के सेक्शन में ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो इस वेजिटेबल की बैग्स की वजह से मेरी जो सब्ज़ियाँ हैं 8-10 दिन तक फ्रेश बनी रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने फ्रिज के सेक्शन को ऑर्गेनाइज करके रखा है। जितनी भी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ की है उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्रिज के डोर के सेक्शन को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। फ्रिज के डोर के ऊपर वाले पार्ट में मैंने रखे हैं मेसन जार्स, एक में मैंने रखी है लहसुन अदरक की पेस्ट, नींबू का रस, और एक में मैंने रखी है पुदीने की चटनी, क्योंकि बच्चे हैं और पानी पूरी बनानी है, सैंडविचेस बनाने हैं तो यूज़ होती है। एक्स्ट्रा अदरक को मैंने इस तरह से छील के रखा है ताकि उसको यूज़ करने में आसानी हो। इस तरह टिश्यू पेपर से कवर करने से अदरक ख़राब नहीं होता, इसका मॉइस्चर बना रहता है। और दूसरे वाले मेसन जार में मैंने रखा है एक्स्ट्रा लहसुन जो छील के रखा है ताकि उसे यूज़ करने में आसानी हो। तो इस तरह से मेसन जार में मैंने डोर के सेक्शन को ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये मेसन जार्स इजीली अवेलेबल है और ग्लास कंटेनर में इस तरह की चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती है। नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखे हैं कुछ टैंक के एक्स्ट्रा पैकेट्स, कुछ चॉकलेट्स बच्चों के लिए, और इसमें मैंने रखा है केसर ताकि वो ख़राब ना हो। इस तरह से केसर मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने टैंक बना के रखा है इस बॉटल में, एक एक्स्ट्रा बॉटल ठंडे पानी की शरबत बनाते वक्त यूज़ होती है, और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो चाइनीज़ बनाते वक्त हम लोग डालते हैं। इसमें है जैम और ये है विनेगर की बॉटल। और सबसे लास्ट वाले सेक्शन में मैंने रखा है पीनट बटर, और ये मेयोनीज़, और ये पिज़्ज़ा और पास्ता का सॉस, चिंग की चाइनीज़ वाली चटनी, ये है सॉस, और ये सोया सॉस। तो इस तरह से मैंने सॉसेस को यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में ऑर्गेनाइज करके रखा है। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये है डोर वाला सेक्शन, ये फ्रीज़र वाला सेक्शन, और ये नीचे फ्रिज वाला सेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।